गया क्या, मतलब इतनी कैची लाइन है, क्योंकि वहाँ से गाना शुरू किया बनाना और बनते बनते आज इसको कि आई थिंक जब आखिर गाजल किया था उस टाइम पे बनाना शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए मैंने, और तब से ये प्रोसेस में चल रहा है और इस पर मेहनत हो रही है। फिर वीडियो पे आया, वीडियो पे तो बहुत कुछ हुआ वो मैं आपको आगे बताऊँ, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रेंडिंग पहले ही हो गया गाना, और वैसे तो सबका प्यार है और सब इतना अच्छा लग रहा है कि गाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मकान बनाना, उसको आगे लेके चलना कितना डिफिकल्ट रहता है। शूट पे तो ऐसा था, जब फर्स्ट डे शूट हुआ तो बहुत मज़ा आया, लेकिन एक्चुअली ये दो दिन में शूट हो गया, और सेकंड डे मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब, मुझे माइग्रेन में प्रॉब्लम था, और सेट पे मेरा पैड लॉस हो गया, तो ये पूरा जो लास्ट वाला सीक्वेंस है ये पूरा ट्विस्टेड पैड था, मेरा पैड का सूझा हुआ, तो उसमें ये करना पूरा क्योंकि टाइम लाइन हो गई है, इतना बड़ा एल्बम है, ये था कि नहीं अब शूट तो रोक नहीं सकते, करना तो है ही है किसी भी तरह, तो बहुत कुछ हुआ सेट पे, बट हिम्मत नहीं आनी चाहिए था कि शूट पूरा करना है किसी भी तरह, क्योंकि इतना जब आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो जगहों से, चाहे वो शूट हो, गाना हो, ऑडियो हो, आप सेट पे जितने सबने गाने की तारीफ की, तो फिर ये था नहीं यार अब गाना पूरा करना है और उसके बाद फिर देखेंगे पहले तो क्या होगा उसको करते हैं, तो ये था। और उसके बाद मतलब जब वीडियो देखा तो खुद को ही खुशी हुई कि हाँ इतनी मेहनत की इस प्रोजेक्ट में, वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिल रहा है और बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस एल्बम में 8 गाने हैं और बस जल्दी अब नेक्स्ट मंथ ही और रिलीज़ करेंगे, फिर जानवी का पूरा एल्बम आउट है, बस देखते हैं जो भी है, लेकिन खुद पे होता है ना कि गाना रिलीज पे है, मतलब डेट पहली एक फिक्स होती है कि इस डेट पे रिलीज करना है, तो बजट तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा सब कुछ लगा हो, सेटअप लगा हो, तो और खाली मेरी मेहनत नहीं है ना, बहुत लोगों की मेहनत, तो चाहे उसमें डायरेक्टर हो, चाहे DOP हो, बहुत बहुत लोग हैं, चाहे पूरा कास्ट हो, तो खाली मेरे लगने से या वो करने से कुछ नहीं, सबकी मेहनत है, सबका सोच के चलना। देखा जाए तो लुक भी ना अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन से काफ़ी मिलता जुलता दिख रहा है पोस्टर में भी, और बताइए क्या एक्सपीरियंस थोड़ा बता सकते हैं सेट पे। तो काफ़ी फर्स्ट डे जो सुबह वाला सीक्वेंस जो आपने मुझे इसमें देखे, उसमें एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि एज अ एक्टिंग कभी ऐसे एक्टिंग नहीं करी, और बट जब सेट पे हम लोग पहुँचे और मैंने कोशिश की करने की, तो फिर अपने आप को जाके देखा तो मैं कह रहा हाँ अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो फिर टाइम लगा थोड़ा सा चीज़ों में समझने में कि क्योंकि ये एक प्रॉपर एक्टिंग है, कोई वैसा नहीं है जैसे पिछले गानों में था उसमें विजुअल्स थे, इसमें प्रॉपर एक्ट करना, तो काफ़ी मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था और बहुत बहुत कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ इस चीज़ से कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन आपने जैसे बात की एक्टिंग, लेकिन हमने देखा कि लास्ट में आपने कुछ हुक्स भी डांस के दिखाए जो हम सबके लिए एकदम सरप्राइजिंग था, कि अभी तक भाई प्यार का रोना धोना चला था, लेकिन अब डांस से भी आपने धमाका कर दिया, और आप कह रहे हैं कि उस वक्त पैर भी काफ़ी सूझा हुआ था, वो दोनों कैसे मैच कर रहे? बस वो था उस टाइम बहुत ही पेन था पैर, लेकिन करना था क्योंकि, और सच में एक्चुअली अगर अभी भी मेरा पैर प्रॉपरली ठीक है, अभी स्वेल नहीं, तो बट ठीक है, मुझे था कि अब करना है और उसको किया, फेस पे नहीं आने दिया बिल्कुल भी, बट बहुत ही ज़्यादा पेन, वो
जो सीढ़ियों वाले शॉट थे उसमें मेरा पैंट वहीं पे नीचे उतर गया तो बट काफ़ी मज़ा आया। अगर बात करूँ आपके गाने की तो गाने में हमने देखा कि अक्सर बहुत ही प्यार था आपने रोमांस को लेके मैसेज दिया है, लेकिन इस गाने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ एकदम सामने आ जाती है और फिर आपके एक अलग ही वहाँ पे हमने मूव देखा, इस गाने के लिए किस तरीके की तैयारी की उसको बाकी से आपने काफ़ी अलग बनाया है? इसकी तो मतलब गाना शूट करने से 10 दिन पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू किया और बाकी ये अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी तो अलग ही एक कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग से कि इसको एल्बम तभी इसका टाइटल जो ही है इसी का टाइटल रखा जाना चाहिए तो वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि तो बहुत सब सपोर्टिव थे सब ने बहुत अच्छा लगा और मतलब बिल्कुल ऐसा कहीं से नहीं था कि कुछ मतलब सब स्मूथली गया बहुत अच्छे से। इस तरीके से आपने बात की गाने के जॉनर्स की या बात की भी और भी गाने आगे देखने मिलेंगे तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से प्यार मिल रहा है गाने ट्रेंडिंग पे जाए तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ गानों को लेकर आपने रीमेक भी बनाने चाहिए जैसे इन दिनों ट्रेंडिंग पे चल रहे काफ़ी ऐसे गाने जो पुराने गानों को लेकर उसे रीअरेंज करके हम सभी के बीच ला रहे हैं? जरूर कभी मौका मिलेगा जरूर करेंगे। वो ऐसा कोई गाना है जिस पर आप काम करना चाहेंगे ऐसा कभी लगा नहीं? अभी तो अपने ही गाने बहुत हैं उसके बारे में तो क्या ही सोचें अगर जरूर कभी मौका मिलेगा। यानी फेवरेट सिंगर जिसका सोच है कभी कि हाँ ये कोई सिंगर है इसका मैं रख सकता हूँ ध्यान और कुछ बनाऊँ? नहीं ऐसे सिंगर तो सारे ही मैंने लास्ट टाइम भी गा था जिनसे मुझे सीखने को मिलता है मैं उनसे सब कुछ मतलब मैं सुन के बट ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सोनू निगम किशोर सबसे मुझे सब बहुत पसंद है मैं सबको सुनता हूँ ऐसा कोई फेवरेट नहीं है लेकिन सारी फेवरेट। इस गाने में जाने मन देखने नहीं मिली तो अगले को देखने वो एक सरप्राइज ही रहेगा तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि एल्बम के सारे गाने अगला गाना आप सुनोगे तो आप सबको वैसे ही उस गाने से प्यार हो क्योंकि वो एक गाना बहुत इमोशनली और बहुत बहुत डिफरेंट है इससे तो वो एक सरप्राइज है वो नेक्स्ट मंथ जब हम करेंगे। लास्ट में अपने फैंस और जैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे हमेशा आपके गानों पर सारा प्यार दे? बस मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतनी जल्दी गाना ट्रेंडिंग पे आया इतना ज़्यादा प्यार होता है बस ऐसे ही गाना सुनते जाओ और ऐसे ही गाने को प्यार देते जाओ एक बहुत बड़ा हिट कर तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगा और ऐसी मतलब बस गाने बनाता रहूँ मेरा ये है कि ऐसे गाने बनते जाएं ताकि ऐसे सबकी ब्लेसिंग मिल सके ऐसे गाने बनते हैं। थैंक यू सो मच। तो जाने मन शराब इज अ बिग एल्बम फर्स्ट गाना भी आगे की क्या प्लान है जाने मन शराब में क्या ऐसी यूएसपी एज अ कंपोजर आप मानते हैं जो आप वांटेड टू शेयर? जी अभी तो कंग्रेचुलेशन्स टू शेखर भाई इनके पूरा एल्बम आप लोगों के लिए हम रिलीज़ कर रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग और आप लोगों को जैसे जाने मन शराब एक अलग रंग है सो बेसिकली हम वजहें दे रहे हैं आप लोगों के हर किसी की अलग अलग वजह होती है शराब पीने तो दिस इज़ वन ऑफ आवर वजह तो इस तरीके से हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको आप इसको सुने इन्जॉय करें सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन का गाना है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रैक ट्रेंडी है और मज़ेदार बना और जब बना तो मज़ा आ रहा था शेखर भाई के साथ जब हम काम कर रहे थे तो प्रिपरेशन के रूप में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब बस आप लोगों के लिए रिलीज़ कर रहे हैं ये रिलीज़ हो चुका है सो एंजॉय करें और उसे जितना हो सके शेयर करें और मज़े लें गाने। एग्जैक्टली सो प्रोसेस हर सॉन्ग का एक अपना प्रोसेस होता है तो इस गाने का भी एक अपना प्रोसेस है जिस तरीके से इसके लिरिक्स हमने लिखवाए हैं तो पहले इसका हमने आइडिया डिस्कस किया कि शेखर भाई इस बार किस तरीके से अपने आप को ऑन स्क्रीन एंड बाय वोकल एज अ सिंगर ऑल्सो वो प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी हैव डिस्कस दिस आइडिया लॉट ऑफ टाइम्स फिर हम एक डिसीजन पे आए कि हमें ऐसा एक ट्रैक करना चाहिए अगर हम एल्बम कर रहे तो हमें एक जाने मन शराब जैसा एक ग्रूवी ट्रेंडी ट्रैक भी देना चाहिए बिकॉज अब सेलिब्रेशन का वक्त चल रहा है और न्यू ईयर आ रहा है तो लोगों को एक डांसिंग बैंगर पार्टी बैंगर चाहिए सो दिस इज़ योर सॉन्ग गाइस एंजॉय इट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सॉन्ग कैसा है एल्बम किस तरीके का फ्लेवर है?
सो जाने मन शराब बेसिकली ये जो फर्स्ट सॉन्ग है, आप इससे इस एल्बम को जज ना करें, क्योंकि इस एल्बम में आप लोगों के लिए हर एक गाने में एक अलग फ्लेवर है, एक अलग मज़ा है, और आप लोगों को हर गाना सुन के ये लगेगा कि यार ये तो इस टाइप का हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो जी, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू गाइस एज नो कि हम अपनी तरफ से अलग अलग तरीके से आप लोगों को सुनने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं और आप तक पहुंचाएं। सो इस एल्बम में वो सारा मसाला है, सारा मज़ा है, प्लस शेखर भाई को आप इतने अलग अलग वेरिएशंस के गाने गाते हुए आप इस एल्बम में सुनोगे कि मज़ा आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एल्बम करना आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एल्बम एक आर्टिस्ट की वैल्यू के साथ साथ उसको मतलब एक आर्टिस्ट का एक वो बनाता है कि भाई एल्बम एक करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने गाने इकट्ठे करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ ही है, लेकिन एक परसेप्शन बनाने के लिए, एक आर्टिस्ट की वैल्यू बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है एल्बम करना बहुत ज़रूरी भी है। जिससे जैसे कि पहले हुआ करते थे कि पहले एल्बम्स ही आया करते थे, जैसे दलेर बाजी, अंबिका सिंह जी, पुराने सिंगर्स जितने भी हैं, शान, सोनी जी, उन सब के एल्बम्स ही आया करते थे, तो बीच में फिर रिमिक्सेस आए और फिर सिंगल्स का ज़माना आ गया, तो ये नहीं कि ऑडियंस के लिए हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं ऐसा कुछ, बट वी आर टेकिंग दिस रिस्क के अब लोगों को वक्त निकाल के अच्छी चीज़ें अगर सुननी है तो आपको वक्त निकाल के फिर इस पूरे एल्बम को सुनना है, क्योंकि आजकल रील्स का टाइम चल रहा है तो सब 30 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स में स्क्रॉलिंग चल रही है, बट वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है और गाने इतने प्यारे हैं कि आप लोग इसको पक्का ही सुनेंगे और उसको शेयर करेंगे। मैं आपसे हम जिससे भी बात कर रहे थे सर की एक्टिंग के बारे में, आपसे जानना चाहूँगा इनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए, जो शराबी वाली वॉक दिखी है आप सबने वीडियो तो देखा ही होगा, तो शेखर भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ एंड जिस तरीके से इन्होंने इस वीडियो में अपने आप को प्रेजेंट किया है और एक्ट कर रहे हैं, माय गॉड, ये तो कम्प्लीटली एक ऑपोजिट साइड ऑफ शेखर हम देख रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग, आई एम लविंग इट इन द वीडियो, क्या लुक्स हैं आपके और क्या आपने काम किया सीरियसली, लेकिन आपने गाना भी बहुत ही अच्छा लगा जी। हम लोग ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है और इस चीज को बहुत टाइम लगा है, एल्बम बनाना कोई आसान नहीं होता है, बिल्कुल बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ यस, लगभग हमें एक साल लगा इस एल्बम को पूरा करने में, तो आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग इसे सुने, इसे पसंद करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको फैलाएं जितना हो सके और एंजॉय द सॉन्ग, एंजॉय द एल्बम। थैंक यू।